कुस्तुनतुनिया की वो फतह जिसे यूरोप आज तक नहीं भूला। 29 मई 1453 रात का 1:30 बजा है। दुनिया के एक कदीम और अजीम शहर की फसीलों और गुंबदों पर से 19वीं कमरी तारीख का जर्द चांद तेजी से मगरब की तरफ दौड़ा जा रहा है, जैसे उसे किसी शदीद खतरे का अंदेशा है। इस जवाल आमादा चांद की मलजिगी रोशनी में देखने वाले देख सकते हैं कि शहर की फसीलों के बाहर फौजों के परे मुनज्जम मुस्तकिल मिजाजी के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। उनके दिल में एहसास है कि वो तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। ये शहर कुस्तुनतुनिया है, जिसका मौजूदा नाम इस्तांबुल है। फसीलों के बाहर उस्मानी फौज आखिरी हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। उस्मानी तोपों को शहर पना पर गोले बरसाते हुए 47 दिन गुजर चुके हैं। कमांडरों ने ख़ास तौर पर 3 मकामात पर गोलाबारी मरकूज रखकर फसील को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी गैर मुतवक्के तौर पर अपनी फ़ौज के अगले मोर्चों पर पहुंच गए हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हतमी यलगार फसील के मैसूर टेकून कहलाने वाले वस्ती हिस्से से की जाएगी, जिसमें कम अज़ कम 9 शगाफ पड़ चुके हैं और खंदक का बड़ा हिस्सा पाट दिया गया है। सर पर भारी पगड़ बांधे और तलाई खलत में मलबूस सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तुर्की जबान में मुखातिब किया, मेरे दोस्तों और बच्चों आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। इसके साथ ही नक्कारों कर्णों तबलों और बगलों के शोर ने रात की खामोशी को तार तार कर दिया, लेकिन इस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी दस्तों के फलक शगाफ नारे साफ सुनाई दिए जा सकते थे, जिन्होंने फसील के कमजोर हिस्सों पर हल्ला बोल दिया। एक तरफ खुश्की से और दूसरी तरफ समंदर में बहरी जहाजों पर नस तोपों के दहानों ने आग बरसाना शुरू कर दी। बाजिंतीनी सिपाही इस हमले के लिए फसीलों पर तैयार खड़े थे, लेकिन पिछले 1.5 माह के मुहासरे ने उनके हौसले पस्त और आसाब शिकस्ता कर दिए थे। बहुत शहरी भी मदद के लिए फसीलों पर आ पहुंचे और पत्थर उठा उठा कर नीचे इकट्ठा होने वाले हमलावरों पर फेंकना शुरू कर दिए। दूसरे अपने अपने करीबी चर्च की तरफ दौड़े और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मनाजातें शुरू कर दीं। पादरियों ने शहर के मुतअद्दिद चर्चों में घंटियां पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दीं, जिनकी टनाटन ने उन लोगों को भी जगा दिया जो अब तक सो रहे थे। हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले ईसाई अपने सदियों पुराने इख्तलाफ भुलाकर एक हो गए और उनकी बड़ी तादाद शहर के सबसे बड़े और मुकद्दस कलीसा आया सूफिया में इकट्ठी हो गई। दिफाई फौज ने जाफिशानी से उस्मानियों की यलगार रोकने की कोशिश की, लेकिन अतालवी तबीब नकुलू बारबीरू जो उस दिन शहर में मौजूद थे लिखते हैं कि सफेद पगड़ियां बांधे हुए हमलावर जानिसारी दस्ता बेजिगर शेरों की तरह हमला करते थे और उनके नारे और तबलों की आवाजें ऐसी थीं जैसे उनका ताल्लुक इस दुनिया से ना हो। रोशनी फैलने तक तुर्क सिपाही फसील के ऊपर पहुंच गए। उस दौरान अक्सर दिफाई फौजी मारे जा चुके थे और उनका सिपहसालार जीवानी जस्टिनियानी शदीद जख्मी होकर मैदान जंग से बाहर हो चुका था। जब मशरक से सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो उसने देखा कि एक तुर्क सिपाही कुरको पोड़ता दरवाजे के ऊपर नस्त बाजंतीनी परचम उतार कर उसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा है। सुल्तान मोहम्मद सफेद घोड़े पर अपने वजरा और अमायत के हमरा आया सूफिया पहुंचे। सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतरे और गली से एक मुट्ठी खाक लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। उनके साथियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुसलमान 700 साल की जद्दोजहद के बाद बलाखिर कुस्तुनतुनिया को फतह करने में कामयाब हुए थे। कुस्तुनतुनिया की फतह महज एक शहर पर एक बादशाह के इक्तदार का खात्मा और दूसरे के इक्तदार का आगाज नहीं था। इस वाक़े के साथ ही दुनिया की तारीख का एक बाब खत्म हुआ और दूसरे की इब्तिदा हुई थी। एक तरफ 27 कब्ल मसीह में कायम होने वाले रोमन एम्पायर 1480 बरस तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंची, तो दूसरी जानब उस्मानी सल्तनत ने अपना नुकता उरूज छू लिया और वो अगली 4 सदियों तक 3 बर्रे आजमों एशिया यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। 1453 ही वो साल है जिसे कुरून वस्ता का अख्तिताम और जदीद दौर का आगाज भी समझा जाता है। यही नहीं बल्कि फतह कुस्तुनतुनिया को फौजी तारीख का संग मील भी करार दिया जाता है।
क्योंकि इसके बाद साबित हो गया कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों की गोलाबारी के बाद फसीलें किसी शहर के तहफ्फुज़ के लिए नाकाफी हैं। शहर पर तुर्कों के कब्जे के बाद यहां से हजारों की तादाद में यूनानी बोलने वाले शहरी भागकर यूरोप और खास तौर पर इटली के मुख्तलिफ शहरों में जा बसे। उस वक्त यूरोप तारीख दौर से गुजर रहा था और कदीम यूनानी तहजीब से कटा हुआ था, लेकिन उस तमाम अरसे में कुस्तुनतनिया में यूनानी जबान और सकाफत बड़ी हद तक बरकरार रही थी। यहाँ पहुंचने वाले महाजरों के पास हीरे जवाहरात से पेश कीमत खजाना था। अरस्तु, अफलातून, बतलीमूस, जहलिनूस और दूसरे हुक्मा उल्मा के असल यूनानी जबान के नुस्खे, इन सब ने यूरोप में कदीम यूनानी उलूम के अहया में ज़बरदस्त किरदार अदा किया और मौरखीन के मुताबिक इन्हीं की वजह से यूरोप निशातुस्सानिया का आगाज हुआ, जिसने आने वाली सदियों में यूरोप को बाकी दुनिया से सबकत लेने में मदद दी, जो आज भी बरकरार है। ताहम नौजवान सुल्तान मोहम्मद को, जिसे आज दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातह के नाम से जानती है, 29 मई की सुबह जो शहर नजर आया, ये वो शहर नहीं था जिसकी शान और शौकत के अफसाने उसने बचपन में सुन रखे थे। तवील इन्हितात के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी और कुस्तुनतुनिया, जो सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मालदार शहर रहा था, अब उसकी आबादी सुकड़कर चंद हजार रह गई थी। शहर के दूसरे हिस्से वीरानी के सबब एक दूसरे से कट होकर अलग अलग देहात में तब्दील हो गए थे। कुस्तुनतुनिया का कदीम नाम बाज़ंतीन था, लेकिन जब 330 ईस्वी में रोमन शहंशाह ने अपने दारुल हुकूमत रोम को यहाँ मुंतकिल किया तो शहर का नाम बदलकर अपने नाम की मुनासबत से कर दिया, जो अरबों के यहाँ पहुँच कर कुस्तुनतुनिया बन गया। मगरब में रोमन एम्पायर के खात्मे के बाद ये सल्तनत कुस्तुनतुनिया में बरकरार रही। 13वीं सदी तक इस शहर ने तरक्की की वो मनाजिल तय की कि इस दौरान दुनिया का कोई और शहर इसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। यही वजह है कि मुसलमान शुरू ही से इस शहर को फतह करने का ख्वाब देखते आए थे। शहर पर कब्जा करने के बाद सुल्तान ने अपना दारुल हुकूमत अर्दना से कुस्तुनतुनिया मुंतकिल कर दिया और खुद अपने लिए कैसरे रोम का लकब मुंतखब किया। आने वाले अशरों में इस शहर ने वो उरूज देखा जिसने एक बार फिर माजी की अजमत रफ्ता की यादें ताज़ा कर दी। सुल्तान ने अपनी सल्तनत में हुक्मनामा भेजा, जो कोई चाहे वो आ जाए, उसे शहर में घर और बाग मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, उसने यूरोप से भी लोगों को कुस्तुनतुनिया आने की दावत दी ताकि शहर फिर से आबाद हो जाए। इसके अलावा उसने शहर के तबाहशुदा बुनियादी ढांचे को अस्सर नौ तामीर की, पुरानी नहरों की मुरम्मत की और निकासी का निज़ाम कायम किया। उसने बड़े पैमाने पर नई तामीरात का सिलसिला भी शुरू किया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तोप कापी महल और ग्रैंड बाजार है। जल्द ही तरह तरह के दस्तकार, कारीगर, ताजिर, खत्तात, मुसव्विर, सुनार और दूसरे हुनरमंद शहर का रुख करने लगे। सुल्तान फातेह ने आया सूफिया को चर्च से मस्जिद बनवा दिया। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1453 में फतेह कुस्तुनतुनिया के मौके पर आया सूफिया को जबरन मस्जिद में तब्दील नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उस वक्त ईसाइयों को इसकी एक बड़ी कीमत अदा की थी और मुसलमान उल्मा की फतवों की रोशनी में इसे मस्जिद में तब्दील किया था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने आया सूफिया के अलावा पूरे कुस्तुनतुनिया के अंदर जितने भी चर्च मौजूद थे, उन सब को उनकी असल हालत में छोड़ दिया और किसी को मस्जिद में तब्दील नहीं किया गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह का आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि यह मशरिकी रोमी सल्तनत के ईसाइयों का सबसे बड़ा और मुकद्दस चर्च था और इसके साथ उन्होंने रूहानी तोहमात वाबस्ता किए हुए थे कि जब तक ये चर्च मौजूद है, रोमी सल्तनत मौजूद रहेगी और एक फरिश्ता आएगा और इसे बचाएगा। इन्हीं तोहमात का कलाकमा करने के लिए सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उस वक्त के उलमा और ख़ास तौर पर मौलाना शमसुद्दीन आग के फतवे के मुताबिक इसे मस्जिद में तब्दील किया और ये उस वक्त की अहम जरूरत थी। लेकिन उन्होंने शहर के दूसरे बड़े गिरजा कलीसाए हवारियान को यूनानी आर्थोडॉक्स फिरके के पास ही रहने दिया और ये फिरका एक इदारे की सूरत में आज भी कायम और दायम है। सुल्तान फातेह के बेटे सलीम के दौर में उस्मानी सल्तनत ने खिलाफत का दर्जा इख्तियार कर लिया और कुस्तुनतुनिया उसका दारुल खिलाफा और तमाम मुसलमानों का मरकजी शहर करार पाया। सुल्तान फातेह के पोते सुलेमान अली शान के दौर में कुस्तुनतुनिया ने नई बुलंदियों को छू लिया। उस्मानियों ने 400 साल तक मशरिकी और वस्ती यूरोप पर हुकूमत की, कभी किसी चर्च या किसी गैर मुस्लिम इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुंचाया। यूरोप पर सुकूत कुस्तुनतुनिया का बड़ा गहरा असर हुआ और वहाँ इस सिलसिले में किताबें और नज़में लिखी गईं।
متعدد پینٹنگز بنائی گئیں اور یہ واقعہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کبھی اسے بھول نہیں سکا۔ یونان میں آج بھی جمعرات کو منحوس دن سمجھا جاتا ہے۔ 29 مئی 1453 کو جمعرات ہی کا دن تھا۔ یہ تھی آیا صوفیہ کی تاریخ۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیا صوفیہ مسجد سے میوزیم میں کب تبدیل ہوئی اور کیوں تبدیل ہوئی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔